एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते, स्वागत है आप सभी को आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अभी जस्ट उठी हूँ, 6:30 हुआ है, तो 6:30 हुआ है और रात को भी इतना ज़्यादा मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। ऐसे भी सोते सोते 11 बजने ही वाले थे और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो बस अभी उठ गई हूँ, उठ के फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद घर का जो भी काम है वो करूँगी। और गाइस, आज है हम लोग के मायके में प्रोग्राम तीज का। आप लोग को उस दिन भी मैंने दिखाया था, वो तो हम लोग से दूसरे गांव में था, मतलब तो वहाँ पे हम गए थे, लेकिन आज है हम लोग का हमारे गांव में, मेरे मायके के ही सामने, मतलब एकदम सामने है तीज का प्रोग्राम। तो सामने होने वाला है, आप सबको मैं आज दिखाऊँगी, हम भी फिर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो भी दिखाऊँगी। उसके बाद फिर अभी 9 बजे यहाँ पे जो झंडा होता है ना, वो भी लहराएंगे, वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो मुझे किसी ने पूछा था कि आप लोग तीज में क्यों रेड ही पहनते हो, क्योंकि हम लोग का जो हरितालिका तीज होता है उसकी तो जो व्रत है उसको मान्यता दी जाती है, लेकिन जो एक दिन पहले हम लोग दर खाते हैं उसको भी मान्यता दिया जाता है, क्योंकि अभी बेटी अपनी मायके से ससुराल से आएगी, फिर उनको अच्छे से बना के खिलाएंगे, ये मान्यता है ना, इसीलिए। और हम लोग का तीज का एक थीम जैसा हो गया है कि रेड ग्रीन ब्लाउज, रेड साड़ी, उसके बाद हम लोग का जो ज्वेलरी वगैरह है, पोते वगैरह है वो। और आप सब ने मुझे पूछा था कि वो ग्रीन कलर का जो है वो आप कहाँ से लेके आते, कहाँ से लिया है। तो हम लोग का तो ये खरीदने से मिल जाता है, और ये जो ग्रीन कलर का होता है वो शादी में जो हस्बैंड के घर से आते हैं वो लेके आते, तो वो हम लोग को शादी में ही मिल जाता है। और आप लोग बोल रहे थे कि हम पहन सकते हैं क्या, आजकल तो सबकी ज्वेलरी, सबके कल्चर, सबके मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह सब पहनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, पहनते हैं, पहन के अच्छा भी लगता है, तो आप लोग भी पहन सकते हो, ज्वेलरी भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो अपनी अपनी इच्छा है। और दुकानों में मिल जाती है, ऐसे तो आजकल कॉस्मेटिक दुकानों में भी रखने मिल गए, लेकिन जो हम लोग का पोते वगैरह है वो एक ऐसा होता है ना कि नेपाल से बा कोई मतलब बिक्री करने के लिए आए, तभी हम लोग लेते हैं। तो बस, तो चलिए अभी घर का काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद फिर शाम में प्रोग्राम में भी जाना है, शाम को है प्रोग्राम, लेकिन अभी 9 बजे यहाँ पे जो झंडा है वो लहराएंगे, तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। और चलिए अभी जल्दी जल्दी घर का काम करते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो लाइक से कॉमेंट कर दीजिएगा, तो देखते रहिए। तो फिर फ्रेश होने के बाद मम्मी ने चाय बनाया था, तो चाय के साथ मैं यहाँ पे मिठाई खा रही हूँ, क्योंकि कल मेहमान आए थे इसीलिए मिठाई लेके आई थी, लेकिन ये ज़्यादा मीठा नहीं है, ये दूध से बनाया हुआ है ना, मिल्क से बनाया हुआ, तो ये ज़्यादा मीठा नहीं था, तो इसीलिए मैं तो बिना शक्कर के चाय पीती हूँ ना, इसलिए इसी के साथ पी लिया। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे प्रोग्राम है वहाँ पे, मतलब प्रोग्राम तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी हम जा रहे हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। अभी मतलब जो भी हो, छोटा बड़ा जो भी प्रोग्राम हो, लेकिन फ्लैग होस्टिंग तो करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे चाची और भाभी आ रहे, तो चलिए अभी आप सबको भी मैं दिखाती हूँ क्या क्या करते हैं वहाँ पर। और सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब 4 बजे से ही धूप निकल गया था, आज तो दिन भर इतना गर्मी होने वाला था। उसके बाद फिर हम पहुंच गए जहाँ पे तीज का प्रोग्राम होने वाला है, और यहाँ पे देखिए पंडाल बनाकर रेडी हो चुका है, और फ्लैग के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है, और ये देखिए टिंगरा आंचलिक गोरखा महिला समिति का जो फ्लैग है उसमें फूल वगैरह डालकर यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करेंगे। और ये स्मृति तर्पण, मतलब जो हम लोग के शहीद हो गए है, डेथ हो गया है गाँव का, जो भी है वो स्मृति तर्पण बनाया गया है सबके लिए। तो बस यहाँ पे गांव के जितने भी लोग हैं, हमारे उस सामने वाले गांव, हमारा गांव, सब मतलब दीदी भाभी सारे लोग मिलकर आए हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए, मतलब इस टाइम सबको आना पड़ता है, तो सारे लोग आए हैं, और ऊपर जो फ्लैग है वो भी लगा चुके हैं। और फिर यहाँ के जो टिंगरा आंचलिक महिला समिति के जो प्रेसिडेंट वगैरह है, प्रेसिडेंट, वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे, और फ्लैग होस्टिंग हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे थे कि कौन क्या करेगा, कितने बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 3 hours later गाइस, दिन का खाना वगैरह हो गया, एक बार फिर से मैं वहाँ पे जाके आ चुकी हूँ, थोड़ा सा काम वगैरह था वो करके, उसके बाद अभी करूँगी मैं होंगी अभी तैयार, क्योंकि जल्दी तैयार होंगी, उसके बाद रील्स वगैरह बनाऊंगी, शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगी। 4 बजने वाला है, तो अभी होने वाली हूँ रेडी, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी, आज इतनी ज़्यादा गर्मी, और पहनना तो बस एक ही है, उस दिन जो पहना था तीज प्रोग्राम में रेड कलर की साड़ी, उसके बाद जो ब्लाउज वही पहनेंगे, तो चलिए मैं दिखाती हूँ।
गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब जा रहे हम प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा 6-7 बजे से, लेकिन हम जाके फिर से वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ड्रेस। ड्रेस मतलब साड़ी तो यही पहनने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का नेपाली का चोलो होता है, मतलब चौबंदी चोलो बोलते हैं, वो पहनने वाले हैं। तो वो आप सबको डांस करते टाइम या गाना गाते टाइम आप सबको दिख ही जाएगा। तो बस वहाँ जाके चेंज करने वाले हैं और पूरा मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अपना लुक दिखाने वाली हूँ पूरा, आप लोग देखिए। तो कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने पूरा फुल लुक दिखा दिया है आपको, जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके। और ये देखिए, ये मुझे ना बालों में बांधना बहुत अच्छा लगता है। ये जो हमारा चंद्रमा जैसा होता है ना, इसको जून बोलते हैं। जून चांद जैसा है, उसमें स्टार भी लगा हुआ है। तो मुझे तो हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच्ची बोल रही हूँ। आप सबको कैसा लगा कमेंट करना। गाइस हम चले, शाम होने वाली है और यहाँ पे मेरी भाभी। हाय हाय ता वन्नू, भूल गए हाय बोलने के लिए भी। और उधर मेरी चाची। तो आप लोग सोचते होंगे कि कितना ज्यादा 30 परफॉर्मेंस होता है बोल के, यही लास्ट है, बस 2 ही दिन था, बस अभी ये लास्ट है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जो चलिए। तो हम लोग वहाँ पे जब पहुँचे थे तब स्पीच वगैरह स्टार्ट हो चुका था, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। तो बस हम लोग गए वहाँ पे, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद जो हम लोग के आज डांस परफॉर्मेंस वगैरह होने वाला है तीज का, जो जज है वो भी आ चुके थे और यहाँ पे थोड़ा सा स्पीच वगैरह दे रहे थे कि कैसे गाना है, कैसे निकलना है, कैसे एंट्री करना है और कैसे मतलब गाना गाना है। तो ये है हमारे फास्ट टोली, मतलब टीम है जो तीज का गाना गा रहे, गीत गा रहे, गाना नहीं बोलते, गीत गा रहे और डांस भी कर रहे। तो थोड़ा सा मैं आप सबको सुनाऊंगी, लेकिन आप लोग समझ तो नहीं पाओगे, तभी भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। उसके बाद था हमारा परफॉर्मेंस और ये है हम, हमारे एक गलती हो गई कि यहाँ पे या तो 10 लोग होने चाहिए या तो 15 लोग होने चाहिए, हमारे यहाँ पे 11 लोग थे। तो एक हमसे गलती हो गई, इसके वजह से आज भी हमें प्राइज नहीं मिला और थोड़ा सा गलती डांस करने में भी हो गई। और ये है मेरी बड़ी भाभी जो आप देख रहे हो डांस किया हुआ, उसके बाद मैं करूँगी। तो देखिए थोड़ा सा दिखाती हूँ, थोड़ा सा ही मुझे पूछते रहते हो ना कि मैं जो गले में पहनती हूँ पोते वो कहाँ से लेती हूँ, आपके तो नेपाल में कोई नहीं है बोलते। तो देखिए यहाँ पे ऐसे मतलब लेके आते हैं बिक्री करने के लिए, तो यहीं से हम लोग लेते हैं। और ये व्हाइट कलर का था, बहुत अच्छा शाइनिंग कर रहा था, लेकिन व्हाइट कलर का पोते नहीं पहनते इसीलिए मैंने लिया नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर था। येलो कलर का मुझे लेना था, लेकिन प्राइस इतना ज़्यादा बोल रहे थे, ये येलो कलर का जो पोते है उसको 350 बोल रहे थे, लेकिन 300 में भी नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं लूंगी। तो बस मैंने यहाँ पे पोते वगैरह 1-2 ले लिया है, उसके बाद फिर हम लोग का था डांस। तो चलिए थोड़ा सा दिखाती हूँ मेरा हम लोग का डांस।
डांस किया था वो मैंने नहीं दिया क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो हम लोगों ने तीज का सॉन्ग में ही डांस किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे स्पीच थोड़ा सा स्पीच था, उसके बाद फिर जिन्होंने प्राइज़ मिला तीज के गीत में उनको प्राइज़ दिया जा रहा है यहाँ पे। और ये बालीजन की टीम है जो सेकेंड प्राइज़ आया था उन लोगों का। गाइस उसके बाद हम आ गए घर, घर आते आते टाइम हो गया था, 1 बज गए थे गाइस, तो आते आते 1 बज गया था। और आने के बाद सीधा नहा के मतलब सोने के टाइम में अभी 2 बज गया है। तो गाइस आते आते 1 बज गया था और जब हम खाना खाए आके 1 बजे हमने खाना खाया क्योंकि हमें इतना ज़्यादा भूख लगी थी। उसके बाद खाना खाया, नहाया, उसके बाद सोते सोते तो 2 बज गया था। तो इतनी लेट हो गया था सच्ची में। और प्रोग्राम इतना ज़्यादा अच्छा लगा और आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग के लैंग्वेज में है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ में नहीं आता है तभी भी आप सब देखते हो, मुझे कॉमेंट करते हो कि समझ में नहीं आया लेकिन बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच आप लोग इतना बोलते हो। और तीज का प्रोग्राम यही लास्ट था, 2 ही था, 1 डिग्बो में था और 1 हमारे मायके में, तो यही लास्ट है। और भी किसी ने मुझे पूछा था कि दुर्गा पूजा आने वाला है लेकिन अभी तक तीज खत्म नहीं हुआ है, ये हमारे जो मतलब नेपाली जो गोरखाली उन्होंने पूछा था, तो मैं बोल देती हूँ कि तीज का प्रोग्राम हो या दुर्गा पूजा या दिवाली का तिहार, जो हम लोग दिवाली को तिहार बोलते हैं, तो तिहार हो, हम लोग का जो फंक्शन होता है वो तीज या तिहार ख़त्म होने के बाद ही प्रोग्राम होता है, तो इसीलिए तीज होने के बाद ही तीज का प्रोग्राम किया जा रहा है। तो आप अगर तीज ख़त्म अभी तक हुआ नहीं है बोलते तो हाँ तीज तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब आते आते लेट हो गया था सोते सोते भी। तो आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिएगा गाइज, और कोई बोलने वाली कोई कॉमेंट करने वाली अगर आप लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आई, अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, कर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।